हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और पड़ोसी देशों की सीमा को छूने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। इसको याद करने का शानदार ट्रिक है जो एक बच्चा भी याद कर सकता है बहुत आसान ही शब्दों में। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, उन पड़ोसी देशों से भारतीय राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जो पड़ोसी देश से सटे हुए हैं। आज मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से सटे हुए हैं। तो नंबर एक आपको ले चलते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला देश है भूटान। भूटान देश से भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो सटे हुए हैं। नंबर एक क्या है? आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? आसिक आप भी, आप मतलब असम, सिक मतलब सिक्किम, आप मतलब अरुणाचल प्रदेश, पा मतलब पश्चिम बंगाल, और भी मतलब भूटान। भूटान देश से भारतीय राज्य ऐसे कौन से हैं जो सटे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नंबर सेकंड कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से कौन कौन से भारतीय राज्य ऐसे हैं जो सटे हुए हैं? इसका याद करने का ट्रिक है पंगू राज। पा मतलब पंजाब, गु मतलब गुजरात, रा मतलब राजस्थान, जय मतलब जम्मू कश्मीर। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। नंबर थर्ड आपको ले चलते हैं नेपाल। नेपाल देश से भारतीय राज्य कौन कौन से ऐसे हैं जो नेपाल देश से सटे हुए हैं? उसको आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो ट्रिक ये है, नेपाल के ऊपर 20 खंड। नेपाल के मतलब नेपाल देश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं भारतीय राज्य के ऊपर 20 खंड है। उ मतलब उत्तर प्रदेश, पा मतलब पश्चिम बंगाल, बी मतलब बिहार, सा मतलब सिक्किम, खंड मतलब उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड भारतीय राज्य हैं जो नेपाल देश से सटे हुए हैं। नंबर फोर्थ आपको ले चलते हैं म्यांमार देश से। म्यांमार देश से कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं? इसका याद करने का ट्रिक है मम वर्मा आमा, मम वर्मा आना। मा मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम, आ मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड। उसके बाद आपको ले चलते हैं नंबर फिफ्थ देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगान, अफगान से हमारा एक ही राज्य है जो सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर। तो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है, वो अफगानिस्तान देश से सटा हुआ राज्य है। नंबर सिक्स आपको ले चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य सटे हुए हैं? उसका याद करने का ट्रिक आपका है आ मित्र बगल में बैठ। आ मतलब असम, नी मतलब मिजोरम, ती मतलब त्रिपुरा, बा मतलब पश्चिम बंगाल, ने मतलब मेघालय। और सबसे लास्ट आपको ले चलते हैं चीन देश। चीन देश से हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से ऐसे सटे हुए हैं? उसका याद करने का ट्रिक है हिमांशी आ जाऊं, हिमांशी आ जाऊं। ही मतलब हिमाचल प्रदेश, सी मतलब सिक्किम, आ मतलब अरुणाचल प्रदेश, जा मतलब जम्मू कश्मीर, ऊ मतलब उत्तराखंड। हिमांशी आ जाऊं, हिमा मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, सी मतलब होगा सिक्किम, आ मतलब होगा अरुणाचल प्रदेश, जा मतलब होगा जम्मू, वो मतलब होगा उत्तराखंड। कितना आसान सा ट्रिक है दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर जैसे आपको जानकारी हुई है, आप सोचते हैं कि हमारे कुछ दोस्तों को जानकारी हो, तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।